याद करो जरा, जब आप 12th में थे, है ना, और कुछ ऐसी चीजें जो आप उस एज में खुद को महसूस करा के एक सजेशन देना चाहो इनको, जो अक्सर आपके साथ ही गलती करते हो या आपने गलती करी हो, जो ये ना करें, कुछ ऐसा उस जोन में जाओ पहले, एंड देन आपके शब्द इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जितना ही मुझे सुनेंगे ना उससे ज्यादा आपको फॉलो करेंगे। तो कुछ भी अगर आपके मन में बात आ रही है देन प्लीज आप उसको बोलो। अजहर से शुरू करते हैं। देखो ऐसा है कि एक बात जो मैंने दोस्तों में सब में ये चीज़ बहुत देखी है कि कॉलेज जाने के बाद लोग डिसाइड करते हैं उन्हें करना क्या है। मतलब ये आप लोग को ये लगता हो कि 11th 12th की पढ़ाई जस्ट कॉलेज तक होगी, बस कॉलेज पहुंचे और सब अलग हो गई दुनिया। पर अभी आप जो पढ़ के जा रहे हो कॉलेज वही है। अगर आप मैथ लेके जा रहे हो पूरी CS मैट्रिक्स जैसी छोटी चीज़ जो आपको भी लगती बहुत आसान है, पूरी CS उस पर ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से। पूरी थर्मोडाइनमिक्स मेरी मैकेनिकल है, ठीक है। जो आप लोग सोचते हो कि अभी बस पढ़ा और काम ख़त्म, तो उस बेस पे जज मत करना कभी इंजीनियरिंग को। इंजीनियरिंग होगी जो आप पढ़ रहे हैं और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो मैं आपको अपना डिसीजन बता दूँ, और तो मैं दूसरों का नहीं कह सकता। जैसे NIT भोपाल लेने का मेरा एक कारण यह था कि वहाँ एक कोचिंग थी मेडी थी, ठीक है। तो वहाँ जाना ये था कि बस मेरा एक एम था कि शुरुआत से मैं UPSC सेट जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा 11th 12th से ही था, ऐसा नहीं कि कॉलेज जाके हुआ। और जो मेरे साथ के लोग थे उन्होंने 3rd ईयर में सोचा कि हम वो करेंगे, तो उनका नहीं हुआ, मोस्टली किसी का ही नहीं हुआ था कॉलेज से। और जो लोग सोच के आए थे 11th 12th से, अब अगर आप कृष्णा नारवानी को देखो, उसने सोच लिया था कि मैं 11th 12th से CS में जाऊँगा, उस बंदे ने इलेक्ट्रिकल से IIT मद्रास पहुँच गया CS से। तो ये आपके अभी पर डिपेंड करता है, और सर मोटिवेट करेंगे आपको, ये डेफिनेट बात है। पर आपको ये चूज़ करना पड़ेगा, या आपको सर से बात करनी पड़ेगी कि आपकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन नहीं लोगे और अगर आप कहीं भी अंदर चले जाओगे तो आगे बहुत दिक्कत है। मैं साइंटिफिक फील्ड भी देख के आया हूँ, साइंटिस्ट से मिल लिया, सब मिल लिया, सबकी वही दिक्कत है, घूम फिर के किसी को कुछ नहीं पता। हमारे खासकर हम लोग की एज में ये चीज़ होता है, जब हम लोग पास आउट हो जाते हैं हमें से किसी को आइडिया नहीं होता क्या करना है। तो बस आपके लिए एक ही एडवाइस है कि अभी से सोच लेना क्या करना है, उसके बाद। और बड़ी कंपनी सब अच्छी चीज़ें, देखो प्राइवेट गवर्नमेंट सब अच्छी चीज़ होती है, बस आपका एम होना चाहिए कि आपको कहाँ पैसा चाहिए, कहाँ रिस्पेक्ट चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, ठीक है। तो बस ये सोच लेना आप लोग। मैं चाहूँगा यश, आप थोड़ा, ये 12th इनके बोर्ड्स भी आ रहे हैं और तो आप थोड़ा सा पढ़ाई ओरिएंटेड भी आप इनको गाइड कर पाओ अगर किसी चीज़ में, तो आप बेसिक अभी 12th बैच है। हाँ ये 12th बैच है, इनका बस एग्जाम 4 महीने टल गए, मई में पेपर है बोर्ड का, मेरा मैथ जून में होगा। देखो बोर्ड्स तो पहली बात इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है, मतलब ये भी नहीं कि हाँ सिर्फ बोर्ड फोर्स करो, बिकॉज JEE एट द सेम टाइम उतना इम्पोर्टेंट है। हाँ ये बात इनको समझाओ यार, पता है इनकी खासियत क्या है, ये 12th करना चाह रहे हैं और केवल 12th करना चाह रहे हैं, मतलब टारगेट है कि 12th करके चले। इस पे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी UPSC के 3 मॉक दे दिए कोचिंग होके। अगर आपको अभी ये लगता है कि 12th में 80% आ गया, ठीक है, सेफ हूँ, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि अगर आप IIM तरफ जाओगे, कैट करने जाओगे, तो उसमें 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज, कॉलेज का पॉइंटर, तीनों चीज़ें लगती है। उसके बिना आप टॉप IIM तो छोड़ो, टॉप 6 भी नहीं सोच सकते। UPSC में अगर आप जाओगे तो आपका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। अब अगर आपने इंटरव्यू में वो चीज़ देखी होगी, वो बोलते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड इतना मैटर नहीं करता, ठीक है वो नहीं करता आपकी स्किल से, पर मोस्टली लोग अगर आप जाओगे ना, वो आपका सबसे पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे कि आप अच्छे हो कि नहीं हो। तो ये मत सोचना कि 11th 12th की परसेंटेज कहीं काम नहीं आनी, वो हर जगह काम आनी। इवन कॉलेज में अगर आप लोग जाओगे ना फर्स्ट ईयर में, आपको उस बेसिस पे लोग जज करना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये चीज देखना एक बार। और इसके अलावा अगर कभी हायर्स का प्लान है आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे तो वो आपकी पूरी लाइफ देखते हैं, नॉट जस्ट कॉलेज का पॉइंट रहो, और उसमें 10th 12th सबका कि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल हमेशा कैसा रहा है, आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो कि नहीं रहे। तो ऐसा मत करना कि बिल्कुल JEE कर रहे हैं, बोर्ड छोड़ दिया, बोर्ड छोड़ कर रहे हैं, JEE छोड़ दिया, दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड IIMs में स्पेसिफिकली, बिकॉज वहाँ पे तो मतलब रहता ही 12th नहीं है, तो वो ऑब्वियसली अब आउट हो। और 12th में अभी तुम लोग जैसे इस पॉइंट पे हो, तो डेली एटलीस्ट ट्राई करो दोनों मैनेज करने का। टॉपिक सेम है, बस ये होता है कि बोर्ड्स में आपके स्टेप्स लिखने होते हैं, यहाँ पे स्टेप्स नहीं होते हैं। पता है, ये आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, आपके समय पर पेपर का लेवल तब भी था, अभी मेंस के लेवल जो है ना वो कुछ है ही नहीं यार। अगर देखा जाए ना तो मेंस का लेवल काफी हद तक गिरा दिया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, अब एक साल में होते हैं 8-8 पेपर, तो इनके पास इतना ऑप्शन है, लास्ट ईयर का जब बात करने जाते हैं ना इतने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हो। तो ये प्लस पॉइंट है, इनको एक बार ये बताओ कि कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इनमें से कई हथियार डाल दिए होंगे कि भैया हमसे तो केवल बोर्ड ही होगा, एक बार आप बताओ। देखो बेस्ट तो रहता है कि पहले तो या तो जो टेस्ट यहाँ पे हो रहा है, या फिर खुद से भी बैठ के एक मॉक लो फुल सिलेबस का, तो उससे क्या होगा आपको सारे क्वेश्चन का एक आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन है, और फिर उसके एनालाइज करते वक्त ये देखो कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक हैं, कौन से स्ट्रांग है, कौन से मतलब इंटरमीडिएट है, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं हो जाते। एक बार ये लिस्ट बन गई ना, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको ऐसा नहीं कि छोड़ ही देना है,
होता है कभी कभी, मेरे संग हुआ था, मेरा एक टॉपिक बहुत स्ट्रांग था आई थिंक परम्यूटेशन वगैरह, मैंने छोड़ दिया बाद में, जब इतना छोड़ दिया कि एंड में आके मुझे दोबारा रिवाइज करने में दोबारा सीखना ही पड़ गया। तो ऐसा भी नहीं छोड़ दो, बट एक ऐसा पैटर्न बनाओ कि अगर कोई चीज़ है जो मेरी बहुत स्ट्रांग है तो उसको डेली आधा घंटे देना है, कोई चीज़ थोड़ी वीक है तो उसको डेली 2 घंटे देना है, मतलब ऐसे करके अगर आप स्केड्यूल बना के चलोगे ना, मेन चीज़ जो है ना वो रूटीन है, अगर एक रूटीन सेट हो गया ना आप लोगों का पढ़ने का तो उसके बाद फिर चीज़ें मतलब ईजिली हो जाएंगी, क्योंकि फिर रूटीन से बाहर का कुछ होगा ना तो अजीब लगेगा, मतलब पढ़ोगे नहीं तो अजीब लगेगा, अगर रूटीन में रहोगे तो और ईजिली होता रहेगा। जैसे अभी मैं घर पर हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैंने अपना एक रूटीन बना रखा है, उसमें मेरा फ्री का टाइम भी रहता है और उसमें मेरा पढ़ाई, क्योंकि अभी ऑफिस भी हैं तो क्या उसमें पढ़ाई भी चलती है साथ साथ में, चीज़ें नई नई सीखते रहना होता है, साथ में काम भी करते रहना होता है। तो हम लोग सब कुछ सुबह 2 घंटे इसके लिए निकाल लिए, शाम को इसके लिए निकाल लिए, ऐसे करके पूरा रूटीन है। रूटीन में कुछ बिगड़ता है तब फिर मुझे अजीब लगता है कि यार आज ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो ऐसे अगर आप सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एक रूटीन सेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा बेस्ट तो वही रहता है अपने टीचर से बात करो, अगर आप अपने टीचर से बात नहीं करते हो अपनी वीकनेसेस को लेके तो आपको कोई और गाइड कर ही नहीं सकता, कोई फ्रेंड आपको यहाँ पे गाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, शायद उतना यहाँ पे कंबाइन हम लोगों के पास भी नहीं है। तो मतलब इट्स द ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो वही है कि आप टीचर से बात हमेशा करनी है, एक हेल्दी फ्रेंड सर्कल बनाकर रखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों का था उस टाइम पे, मतलब हम लोगों का बैच बहुत छोटा था, तब इतनी बड़ी क्लासेस नहीं थी, हम लोग वहाँ पढ़ते थे 30 लोगों का बैच था, तो हम लोगों के बीच में आपस में इतना इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन रहता था ना कि हमें पता रहता था किसका क्या वीक, एक दूसरे की हेल्प करते थे कि मेरे को अगर जैसे मान लो मेरी फिजिक्स अच्छी थी तो मैं आयुष को फिजिक्स सिखा रहा हूँ, आयुष की मैथ अच्छी थी वो मुझे मैथ्स के क्वेश्चन बता रहा है, तो ऐसे करके हम लोगों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प करी है। अगर ऐसा फ्रेंड सर्कल आपको एक बार मिल जाए ना तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, भले उनके साथ मस्ती भी कर रहे हो लेकिन साथ में उनके साथ पढ़ाई भी हो जाती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद रूटीन हो गया, ये फॉर्मूला नहीं सर, तो शायद आप लोग बताओ बताओ बताओ, मैं तो सोच रहा था कब आओगे यार, तो फॉर्मूला रजिस्टर का तो तुम लोगों को पता ही है, मतलब नहीं पता तो बता देता हूँ। देखो तुम लोग जब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते यार मैथ्स के रजिस्टर्स भर जाते हैं, मैं अगर मैं अभी घर पे जाके सफाई कर रहा था, मेरे मैथ्स के रजिस्टर्स का बंडल मेरे से लंबा है, ठीक है, तो मैथ्स के रजिस्टर्स बहुत बन जाते हैं। अब उसमें अगर तुम्हें बोले कि एक दिन में रिवाइज करना है पूरी मैथ्स, सारे रजिस्टर लेके बैठोगे ना पेपर निकल जाएगा, वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ करना है, क्वेश्चंस करना है, बहुत कुछ है, ठीक है, और वो रिवीजन है, उसके बाद क्वेश्चंस भी हैं, मैथ्स तो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता मैथ्स में। तो मैं सजेस्ट तो वही करूंगा कि मतलब मैं कैसा ही करता हूं, तो जो भी पढ़ रहे हो साथ साथ में उसको लिखते जाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अपनी जो लैंग्वेज में लिखना, कोई ऐसा नहीं है कि यार हमें इंग्लिश में लिखेंगे हम हिंदी में लिखेंगे फिर बाद में समझ नहीं आ रहा है, जैसी राइटिंग है बट राइटिंग थोड़ी अच्छी रखना, मतलब ऐसी भी नहीं कि बिल्कुल एट दी एंड तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुमने क्या लिखा है, डॉक्टर मत बन जाना, इंजीनियर ही रहना।